आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस समय देश में सियासी घटनाक्रम है वो तमाम तरह की उम्मीदों को जन्म देते हैं। उम्मीद भी है तो कहीं शिकस्त का सामना भी है, और कहीं शिकस्त नहीं है तो कहीं जीत की उम्मीद भी है, और इसके साथ ही साथ निराशा भी है तो कुछ उम्मीद ऐसी भी है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। खैर, देश में तमाम तरह के घटनाक्रम चलते रहते, चाहे धार्मिक हो, चाहे मुद्दों की राजनीति हो। कभी राजनीति पर्वों से लेकर जुड़ी होती है, कभी नदी से लेकर जुड़ी होती है, तो कभी ज्ञानवापी और तमाम जो धार्मिक मुद्दे इस समय ज्वलंत हैं उन पर लेकर रहती है। फिलहाल आज का जो मुद्दा हमारा अहम है, क्योंकि हेट स्पीच मामले में जो हमारे रामपुर से विधायक आजम खां को सजा हुई, हालांकि उनको जमानत मिल गई है, पर उसके बावजूद चूँकि सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद उनकी विधानसभा जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई है। उसके बाद रामपुर जो सीट है वो दोबारा खाली हो गई है। रामपुर में चौथी बार चुनाव होंगे। चुनाव क्यों होंगे? पहले विधायक थे, उसके बाद 19 सांसद बने, सीट खाली हुई, फिर अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को चुनाव लड़ाया, वो विधायक बनी, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर चुनाव लड़े 22 में और विधायक बने। पहले सांसद थे, फिर विधायक बने, फिर विधायक पत्नी बनी, उसके बाद स्वयं 22 विधायक बने, और उसके बाद जिस तरह घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम आपके सामने है कि 93 से ज़्यादा केस उनके ऊपर चल रहे हैं, और जिसमें एक कल एक में सजा हुई, हेट स्पीच वाला मामला रहा, उस पर सजा के चलते उनकी विधानसभा की सदस्यता थी वो रद्द हो गई। और साथ ही साथ यहाँ पर अहम चीज़ ये भी है कि हेट स्पीच क्यों होती है, क्यों इंसान हेट स्पीच देता है, और क्यों इन स्पीचों को इतना ज़्यादा मुखर कर दिया जाता है कि विवाद हो जाते हैं, विवाद के बाद मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और मुकदमे दर्ज होने के बाद जो सज़ा होती है वो कितना भारी पड़ती है वो तो अब आने वाला समय बताएगा। आजम खां के लिए क्या आजम खां का कैरियर ख़त्म हो गया है? क्या आजम खां किस तरह से चुनावी स्त्रियों से गुजरेंगे? किस तरह ये जिस तरह से लगातार केस उन पर चल रहे हैं, लगातार पेशी हो रही है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वो तो खैर कानूनी प्रक्रिया है, पर कहीं ना कहीं अभी हमने देखा कि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, बीजेपी के पक्ष में वहाँ पर गए, और महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर यह भी रही कि जो हेट स्पीच वाली बात है वो ये हमारे देश में पहली बार नहीं है। इससे पहले तमाम तरह की हेट स्पीच दी गई और तमाम तरह के लोगों ने वादे किए और तमाम तरह की यहाँ पर कटाच किए गए और तमाम इतनी गैर मर्यादित भाषाओं का उपयोग किया गया कि संसद भी शर्मसार हो गई। पर जिस तरह से यहाँ पर हेट स्पीच मामले में आजम खां को सजा का ऐलान हुआ, उनकी सदस्यता चली गई, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उन पर भी है कि यहाँ पर हेट स्पीच दी दो, और आदमी क्यों इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि इस तरह के मामले दे देता है। फिलहाल अब जो रामपुर में चौथी बार चुनाव होगा, क्या परिदृश्य रहेगा, किस तरह यहाँ पर जाएंगे, और जहाँ पर एक तरफ सपा को झटका लगा है तो बीजेपी कहीं ना कहीं अभी उम्मीद जगी है कि सांसद तो हो ही गए हैं, अब वहाँ पर विधायक ही भी जीती जाए। खैर, महत्वपूर्ण विषय और चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको उन सबसे रूबरू करा दूँ। नेता भाजपा से हमारे साथ संतोष सिंह भाई जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा से तारिक भाई जुड़े हुए हैं, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा तारिक भाई से रहेगा। तारिक भाई, झटका माना जाए इसको निश्चित रूप से कि जिस तरह से यहाँ फैसला आया उसके बाद सदस्यता चली गई, अब नए सिरे से तैयारी, और तैयारी के बीच में जो बीजेपी को उम्मीद है कि रामपुर जीतेंगे उपचुनाव, और समाजवादी पार्टी को यहाँ निराशा हुई है, किस तरह करेंगे? अभी जो उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के रामपुर और आजमगढ़ में, उनमें परिणाम बेहतर नहीं है, क्या देखते हैं आप? झटका किसको रही? झटका है लोकतंत्र। आजम खान को क्यों झटका है? जी, दिन पहले कहा कि भड़काऊ भाषाओं पे स्वतः संज्ञान लीजिए। जी, आजम खान को आपने सजा दिलवाई, ठीक है, क्या बात है, उन्होंने पीएम मोदी और उनके खिलाफ कुछ कहा था जिसके साक्ष्य हैं। जी, परवेश वर्मा के खिलाफ साक्ष्य हैं आपके पास? जी है कि नहीं है? गौरव भाई, जी, डेमोक्रेसी के लिए ये शेम की बात होती जा रही है। जी, डेमोक्रेसी का जो
सीना चौड़ा था, वो शर्म से झुकता जा रहा है धीरे धीरे। आजम खान की बात ही मत करिए आप, जी आप रद्द कर दीजिए की सदस्यता, कोई दिक्कत नहीं जी। अरे भाई आवाज बड़ी कटती आ रही है जी। जी आप क्या करते हैं, ये बात किसने कही थी जी? 38 लोगों की लिस्ट बीजेपी जारी करती है खुद जी, कि हमारे लिए नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और भड़काऊ भाषण मत जी। एक पॉइंट जी, एक महीना पहले कहते हैं कि हम अपने मंत्रियों के मुकदमे वापस ले लेंगे, क्योंकि दो मंत्री इनके राकेश सचान और निषाद जी, इनके ऊपर आरोप के इनको कन्विक्ट कर दिया गया जी। तो आप अप्लाई खींच के अपने लोगों को बचा लेंगे जी, और समाज कहेंगे कि इन सबको जो जी आपको ये आजादी है कि आप धर्म संसद उत्तर प्रदेश में कराएं और मुसलमानों का जेनोसाइड की बात कराएं जी। जी अभी अरे भाई आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है, इसको ठीक किया जाए। मैं कह रहा हूँ अब आ रही है आवाज जी? आ रही है कट रही है जी? जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता जी डेमोक्रेसी का बड़ा अभिन्न जी, मतलब इसके लिए तो सबको आवाज उठानी चाहिए जी, कि ये लोग कह रहे हैं इनके खिलाफ स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया खुद मुकदमा दर्ज कर लीजिए अपनी तरफ से, मान लेते हैं कोई रिपोर्ट नहीं कराता है। परवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा हुआ जी, राघवेंद्र प्रताप इनके डुमरियागंज के कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में, गौरव भाई मैं भी वहीं था, उन्होंने कहा कि जो हिंदू हमारे अलावा किसी को वोट देता है वो गद्दार है, जयचंदो की औलाद जी। सही है ये? आप भी सनातनी हिंदू है, आप सही मानते हैं इसको? देखिए निश्चित रूप से भड़काऊ भाषण चाहे गौरव भाई जी। तो मैं कह रहा हूँ आपने एक लिस्ट बना ली जी, आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी जी, और बाकी लोग जो है उनका क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी जो एक तराजू था कानून का, उसकी पट्टी जो आंख पे बंधी इसीलिए थी कि वो बराबर रखेगा, इसका मतलब है कि कमल का फूल एक तरफ रखा हुआ है इसलिए वो भारी पड़ रहा है जी, कमल का फूल भारी पड़ रहा है। एक लंबी लिस्ट है ठीक कर दूंगा, सीएम मोदी खुद कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा, कहां की गर्मी निकालेंगे, कैसे किस टाइप की गर्मी निकालेंगे? मुख्यमंत्री के मुंह से मुख्यमंत्री शपथ लेता है जी कि मैं बड़ी शालीनता से काम करूंगा, कोई भेदभाव नहीं करूंगा। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये अच्छा लगता है गर्मी निकाल दूंगा, ठीक कर दूंगा। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री, विधान परिषद में पिछले बार के असेंबली में विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चुप जाओ ठीक कर दूंगा, तुम जो भाषा जानते हो मैं उसी में समझाना जानता हूँ। ये क्या है, ये कौन से लोग है भाई गौरव भाई, ये कौन से लोग, ये कहाँ से आए, कैसी बातें करते हैं जी, कैसी बातें करते हैं? देश के गद्दारों को गोली मारो, मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप इसी स्टेट में चार चार बार संसद कराते हैं और उसमें कहते हैं मुसलमानों को मार डालो, सीतापुर का एक महंत कहते हैं कि मुसलमानों को मार डालो जाकर तलवार निकालो, संगीत सोम अभी कुछ दिन पहले जानते हैं क्या कह रहे हैं, अब छत्रियों को हथियार उठाने की जरूरत पड़ गई है। संगीत सोम पे मुकदमा दर्ज हुआ था जी, पुरानी वाली बात पे मुकदमा दर्ज हुआ। संगीत सोम हर तीसरे दिन बयान देते हैं जी, संगीत सोम हर तीसरे दिन विवादित बयान देते हैं, जेल गए वो जी, जेल गए करो भाई हर तीसरे दिन। वो तो आप पुराने वाले कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ, वो तो पुराने वाले पे, उन्होंने तो जब मुजफ्फरनगर वाला मामला हुआ तब से वो विवादित बयान उनके खिलाफ, अगर उनको दो बार मतलब उनको पुनर्जन्म लेके दो बार जेल में रखना पड़ता अगर सारे मुकदमे पे हो। तो आप कह रहा है विवादित बयान सब देते सबके खिलाफ कार्रवाई हो, यही तो बात है गौरव भाई, मेरा क्यों कहना है? यूनिवर्सल फैक्ट है, मैं प्रूफ रख रहा हूँ, मेरा क्यों कहना है? मैं कौन जी, मैं प्रूफ रख रहा हूँ। राघवेंद्र प्रताप वहाँ के कैंडिडेट, आप हिंदू है, सनातनी हिंदू है या नहीं है आप? जी बिल्कुल। अगर आप समाजवादी कांग्रेस बीएसपी एमआईएम किसी को वोट देते हैं तो आप जयचंद की औलाद हैं, आप मानते हैं इस स्टेटमेंट को, आप वैलिडेट करते हैं इस स्टेटमेंट को? जाहिर सी बात है भड़काऊ, आप वैलिडेट करते हैं? इनको जेल के पीछे होना चाहिए, ये घूम रहे आराम से। आजम खान ने क्या कहा, उनको आप जेल भेज दीजिए। परवेश वर्मा दिल्ली के एमपी हैं, वो कहते हैं मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको औकात याद दिला दो इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्वतः संज्ञान ले पुलिस, दिल्ली पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान। केंद्र सरकार के हाथ में उनका एमपी है, पूजा करते हैं वहां जाके सुबह शाम, सलाम साहब जी साहब बताइए, मेरे ऊपर मुकदमा करोगे भाग जाओ यहाँ। ठीक है तारे भाई, आपका कह रहा है कार्रवाई हो, कार्रवाई सब पर होना चाहिए, कार्रवाई नहीं हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर किसी का सर झुकेगा तो डेमोक्रेसी का झुकेगा, समाजवादी का कतई नहीं झुकेगा।
ये ओवरऑल डेमोक्रेसी की बात, ठीक है, ये लोकतंत्र की बात है, ये कानून की बात। जी ठीक है ताकि भाई, संतोष सिंह बीजेपी जुड़े हुए हैं। संतोष भाई, यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि हेड स्पीच मामले में सजा हुई, उसके बाद जो विधानसभा की सदस्यता थी वो भी चली गई, और कहीं ना कहीं निराशा तो जरूर रही होगी सपा को थोड़ी बहुत। भाई तारिक भाई बोले कोई निराशा नहीं है, ये निराशा डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए है। आपकी क्या राय है? क्यों निराशा है गौरव भाई? जी देखिए गौरव जी, हम एक बात हमेशा से कहते आए हैं जी कि कानून सबके लिए बराबर है जी, परिस्थितियां किसके लिए क्या उत्पन्न होती है जी, किसके ऊपर कौन सी धारा है जी, इसके लिए कानून और कोर्ट बना हुआ है जी बिल्कुल, और कानून कोर्ट के दायरे में जो फैसले आते हैं जी, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लेना देना किसी भी सरकार के, चाहे वो सरकार हमारी हो या सरकार किसी भी पार्टी की हो जी, उनको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है, आप इस चीज को जानते हैं और तारिक जी भी जानते हैं जी, कि जब राजनीतिक व्यक्ति कहीं बैठता है तो वहां जाते हुए उसका भाषा राजनीतिक होता है और राजनीतिक भाषा ही बोलता है। देखिए आजम खान के बारे में किसी से छुपा नहीं है, अच्छा, कि जब जब वो माइक और मंच पे आए हैं तो उनकी भाषा शैली किसके लिए क्या रही है, चाहे वो जयप्रदा का मैटर उठा करके देख लीजिए जी, उन्होंने भाषण देते देते और उनके अंडर गार्मेंट्स की बात क्या कही थी जी, या और भी अपने ही समाज के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी देख लीजिए जी, अपने ही मौलियों के और धर्म गुरुओं के बारे में कभी कभी आवेश और राजनीति में आकर के, गुस्से में आकर के, जब वोट नहीं मिलता है पार्टी उनकी हारती है या मुसलमान भाई हमारे कहीं किसी और दूसरे दल को वोट दे देते हैं तो उनकी भाषा शैली सुनिए जी, ये कोई इकलौता बयान उनका, और ये देखिए ये आज नहीं तो कल होना था जी, जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है वो कानून के परिवेश में आता, आप ही जानते हैं इस चीज को, आप जानकार हैं जी बिल्कुल, वो कानूनी प्रक्रिया जो है और कानून और संविधान से ऊपर ना हम है ना आप है ना तारीख जी, तो अगर लेता कोई फैसला आया है जी, तो मुझे लगता है कि कोई फैसला गलत नहीं, देखिए हर किसी को जी, किसी ने किसी भी संगीत सोम जी की उन्होंने बात की थी तो आपको मालूम है संगीत सोम जी के ऊपर अगर याद दर्ज हुआ गलत कार्रवाई हुई जी जी, लेकिन अगर एक बार दो बार और तीन बार ये लगातार ये घटनाएं अगर होती आ रही हैं जी, तो हमारे देश का कानून और देश का संविधान भी मौका देता है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं देता है जी, लेकिन अगर मौके मिले और आप नहीं संभले और लगातार वह गलतियां होती जा रही है तो कहीं ना कहीं जो आज फैसला आया है आजम खिलाफ, आजम साहब के खिलाफ जी, ये फैसला किसी भी नेता के खिलाफ, वह नेता जो कहीं ना कहीं अपने भाषा शैली के माध्यम से, अपनी अपनी बातों के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों में कहीं ना कहीं एक बंटवारे की भावना उत्पन्न करता है, देशद्रोह के उसमें आता है दायरे में और भाषण देता है, कुछ बोलता है, तो स्वाभाविक है कि उसको इस तरह के झेलने पड़ेंगे। देखिए सरकार पे आरोप लगाना, हम शासन सत्ता में है, शासन सत्ता के लोगों का कोर्ट पे कोई अधिकार नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। इसके पहले तमाम ऐसे उदाहरण अगर दिए जाए, कांग्रेस की सरकार रही हो केंद्र में और प्रदेश में, बसपा और सपा की सरकार रही हो जी, तो तमाम ऐसे उदाहरण है, अगर उसको उस चीज से जोड़ा जाए जी, तो मुझे लगता है कि सारी सच्चाई सबके सामने है। इस समय जो बहस हम लोग कर रहे हैं जी, यह कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मॉरल डाउन हुआ है आजम खान के चलते। देखिए आजम खान उनके एक माइनॉरिटी के बड़े लीडर है, कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों को अपने भाषा शैली से, अपने भाषण से, अपने कम्युनल होने के नाते प्रभावित करते हैं अपनी बातों से, और वो वोट की राजनीति करते हैं, और वोट की राजनीति में देखिए मुसलमानों को भले के लिए कोई मुस्लिम लीडर ने आज तक काम नहीं किया है। गौरव जी मुझे तकलीफ होता है, तारिक भाई पता नहीं मेरी बात भाजपा नेता के तौर पर, लेकिन इंसानियत के तौर पर कहूंगा, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जी, किसी राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा बदनाम है जी, तो भाजपा को मैं अगर किनारे रख दूं जी, हालांकि मुझे सच्चाई कि जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो किया है उससे कोई वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मुझे तकलीफ इस बात का होता है कि जो लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं, मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, और मुसलमानों को वोट देकर मुसलमानों की बेहतरी के लिए क्या किया है किसी मुस्लिम लीडर ने, हमको ये आज तक समझ में नहीं आया। अब एक मुसलमान नेता आए हुए हैं अपने देश में,
एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी साहब जी। अब ओवैसी साहब भी आते तो अभी मुसलमानों की गरीबी को लेकर, मुसलमानों के एजुकेशन को लेकर के, मुसलमानों के रहन सहन को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाते हैं जी। आजम खान साहब पहले से ही मुसलमानों के लीडर बने हुए उत्तर प्रदेश में जी। ओवैसी साहब पूरे भारत भर से मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझ रहा है, उसको भी मालूम है कि मेरी शिक्षा केवल मदरसों में पढ़ने से नहीं हो जाएगी। मुसलमान भी जानता है कि हमको भी आधुनिक युग में आधुनिक एजुकेशन हमको चाहिए जी। तो उनकी बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, और हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सारे समाज के लोगों को लेकर, उसमें मुस्लिम समाज भी। तारिक भाई, संतोष भाई, तारिक भाई कहना ये है कि जो जब बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है वो विवादित बयान देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है? मुझे 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 पता नहीं कि संज्ञान कौन नहीं लेता है। ये जब से हमारी सरकार बनी है 2017 से 2022 की अगर मैं बात करूं तो क्या इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता या इस इनकी सरकार थी तो उसके अगर हमारे नेता ने 2017 के पहले कोई बयान दिया तो जेल में डाल दिया होते। सरकार तो इनकी थी जी, सरकार इनके भाई 7 साल में ही सारे विवाद और सारे भाषण और सारे नेता तो उत्पन्न हुए नहीं है या नेता तो 2017 के पहले भी थे। तो 2017 के पहले अगर हमारे किसी नेता ने समाज में कोई भड़काऊ भाषण दिया हो या अगर उसका भाषण किसी भी प्रकार से एक तरफा रहा हो और अगर ऐसा कुछ बोला जिस समाज में गलत संदेश गया तो उनको इनकी शासन सत्ता रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 के पहले रही है। तो क्या ये ठीक है? सवाल ले लो। ठीक है संजय भाई, ठीक है 2014 ठीक है संजय भाई, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। तारिक भाई जल्दी बोलिए, क्या बोला जा रहा है जल्दी बोलिए। मेरा सवाल है मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र से कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है और क्या कोर्ट की है, इसमें फर्क है गौरव भाई जी? बिल्कुल, आप कह रहे हैं निर्णय कोर्ट को दे, जब हम नौकरी पाती हैं तो हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए जी। मुकदमा करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, उस पर विवेचना कर कर चार्जशीट दाखिल करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी काम कोर्ट का है। क्या पुलिस और पुलिस किसके अधीन है? स्टेट गवर्नमेंट के। क्या पुलिस ने अपना काम किया संजीव सोम के खिलाफ? अभी उन्होंने कहा कि छत्रियों को हथियार उठाना पड़ेगा आने वाले टाइम, ये भड़काऊ श्रेणी में आता है नहीं आता है? पुलिस ने मुकदमा किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कई हफ्तों पहले कह दिया कि स्वतः संज्ञान ले लीजिए इन मामलों का, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्यों वजह है? क्योंकि सिंबल कमल का है। अच्छा, बस सिंबल का मसला है, यहाँ कमल का सिंबल होगा वहाँ जैकेट हो जाती है। अब इन्हीं जैकेट के साथ ये जैकेट पहनकर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम मार डालेंगे आपको, आप कह सकते हैं इनकी औकात याद दिला दो इनसे सामान। अच्छा, जैकेट जैकेट सपा तारिक भाई, क्या ये जैकेट जैकेट समाजवादी पार्टी कार्यकाल में नहीं होती थी क्या? गौरव भाई, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जैकेट होती थी या नहीं होती थी तो उस टाइम पे अगर भड़काऊ भाषण दिए जाते थे, या मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त में भड़काऊ भाषण देने का जो बीजेपी प्रायोजित पूरी टीम है, अच्छा, उसकी वॉलेटिलिटी 14 और 17 के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है गौरव भाई, जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा, ये कहीं से भी कुछ भी कह सकती, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। जो एपेक्स कोर्ट है उसने संज्ञान लिया, उसने कड़ी टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है कि इन सब चीजों से समाज में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो रही है, इनको रोकने की जरूरत है। कोई भी दे, कोई मुसलमान दे उसके खिलाफ भी खड़े आप कीजिए, समाजवादी का नेता दे उसके खिलाफ भी कीजिए, मगर जो जैकेट पहने हैं लोग और कमल का उनके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है, अच्छा, तो वो तो बचे हुए हैं, वो अदृश्य है, दिखाई कहाँ देते हैं। ठीक ठीक है तारिक भाई, हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी जुड़े हुए हैं। तकी भाई, भाई बयानबाजी तो आपके यहाँ बहुत होती है भाई, और बयानबाजी दौर लगातार देश में चलते ही रहता है, पर यहाँ पर बयानबाजी जब नफरत की हो जाती है तो यहाँ पर सजा भी हो जाती है। तारिक भाई कहना है कि यहाँ पर जो मामले हैं वो एक तरफा देखे जाते हैं, बीजेपी के अगर नेता बयानबाजी करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कार्रवाई अगर समाजवादी पार्टी कर देते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है, कैसे देखते हैं भाई? देखिए हम उस उत्तर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही बिल्कुल, ये इको कर रही है आवाज मेरी जी। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में जहां कबीर दास जी ने कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद शीतल होए जी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लगातार उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहे हैं, घर जले हैं, कई लोग मर गए, लोगों ने अपने जानों से हाथ धोया है जी। तो इस तरह की वाणी क्यों बोलनी चाहिए, इस तरह की भाषा क्यों बोलनी चाहिए जी। और भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा इतिहास इसी तरह से रहा है, अच्छा। यहाँ पूरी लिस्ट फेरिस्त है जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, अच्छा। जैसे परवेश वर्मा हो गए,
साध्वी महाराज हो गए, इनके साची महाराज हो गए, साध्वी प्राची हो गई, कपिल मिश्रा हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, खुद आदित्य योगीनाथ हो गए, संगीत सोम हो गए, राजा सिंह हो गए, राजेंद्र प्रताप भाई, सब पूरी फेरिस्त है जो लोग अलग अलग बयानों पे अलग अलग तरह से ऐसे बयान देते रहे जिससे देश के अंदर जो है दंगे हो जाए, लड़ाई हो जाए और देश जो है अपनी जो मूल धारा से है वो छिन्नभिन्न हो जाए। अच्छा, देश की एकाग्रता को लगातार छिन्नभिन्न किया गया है इस तरह की बातें करके जी। इस समय जरूरत है कि देश को आगे ले जाने की, देश को समस्याओं से निपटाने की, लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने की, ना कि लोगों को बांटने की जी। तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते है जी। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए आप अगर देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के काल के अंदर, भाई आपकी आवाज इको कर रही, बोल नहीं पा रहा हूँ जी, बोले बोले बोले, इको कम करिए इसकी जी, मुझे अपनी इको सुनाई दे रही जी, बोले ताकि भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी भी, अब मैं सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आवाज इको कर रही हूँ ताकि भाई इको सही किया जाए भाई, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही पलट के सही किया जाए। साहब को टेक्निकल इशू है। हेलो जी, आप आवाज सही हो गई, आ रही है भैया? हाँ सही आवाज, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए 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 बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, फिर एक होने लगी बात जी, एको कम कराइए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ जी, जो भी टेक्निकल इशू है उसको सही किया गया, इको कम किया जाए ताकि जी को आवाज रिपीट आ रही जी। मैं ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जो हमारे नेता है वो हमेशा इच्छा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोगों की जुड़ी हुई बातों की बात करते हैं और प्रेम की बात करते हैं जी। कोई भी देश जो है वो संपन्न नहीं हो सकता जब सब लोगों में आपस में भाईचारा ना हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे ना हो जी। और सब मिलजुल के उन समस्याओं के बारे में सोचे जो देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। देश को इस तरह से बांटना, लड़ना, दंगा कराना और वोट की राजनीति करना, ध्रुवीकरण कराना, ये अच्छा नहीं रहता। इसमें मेन रूप से तो बीजेपी का बहुत हाथ रहा है और ये मैं मानता हूँ कि बीजेपी जहां है वहां न्याय नहीं सकता। अगर न्याय होता है बीजेपी के अंदर तो सिर्फ आबकारी नीति को लेके आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर छापे ना पड़ते, सीबीआई ईडी के छापे गुजरात भी जाते। अच्छा। जहां नकली शराब पीने से 100 लोग मर गए तो उन्हीं के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होती। और आज तक जो इतना भी ईडी का कन्विक्शन रेट है वो 0.4% है, मतलब 5.5% से भी कम है जी। और इनके बीजेपी के किसी भी लीडर के खिलाफ सीबीआई ने, ईडी ने, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर न्याय मिल पाएगा इसकी उपेक्षा करना ही गलत है। और भारतीय जनता पार्टी कभी न्याय संगत हो ही नहीं सकती, न्याय इनके अंदर है ही नहीं। अच्छा। ये सिर्फ अपने हित की बात सोचते, पार्टी के हित की बात सोचते, पार्टी में भी कुछ लोगों के हित की बात सोची जाती है जी। और आज की डेट में बीजेपी में सिर्फ अमित शाह रह गए, नरेंद्र मोदी रह गए और उधर जो उद्योगपति में अदानी अंबानी रह गए। अच्छा। तो ये पूरा न्याय प्रणाली को मोड़ तोड़ के सब चीज सारी हर चीज की धारा जो है कुछ ही लोगों आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था खराब हो गई है। न्याय व्यवस्था जो भी इसे दिखाने के लिए है। अच्छा। बाकी जो न्याय ज्ञान बाबी के मामले फैसला आया था, कार्बन डेटिंग मना कर दिया था, वो भी न्याय व्यवस्था खराब मानेंगे आप? नहीं तो उसके लिए बहुत से हिंदू संगठनों ने मेरी आवाज उठाई थी कि इसको मना करना चाहिए। उससे पहले भी कुछ फैसले आए थे जो अलग तरह के फैसले थे। न्याय व्यवस्था पे आप उंगली उठा रहे हैं जब न्याय व्यवस्था खुद यानी पक्ष बोलता है, बाड़ी पक्ष बोलता है, प्रतिवादी पक्ष बोलता है कि हम फैसले संतुष्ट हैं, फैसला अच्छा आया है, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा फैसला कोर्ट का आया है, तो फिर आप कैसे न्याय व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष के भी बहुत लोगों ने अर्जी डाली थी कार्बन डेटिंग ना हो, उससे मुस्लिम पक्ष ही नहीं था खाली, और उससे पहले भी जो तो फैसला आया था पूजा कराने के लिए अच्छा भी हिंदू पक्ष के फेवर में आए थे। तो ये इस पूर्ण फैसलों को हिंदू मुसलमान करके नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, कितने मामलों के अंदर, अभी आप देखा राम जन्मभूमि के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ, हमें माननीय सांसद संसद श्री संजय सिंह जी ने उसको दिखाया, बताया जी। क्या कार्रवाई हुई जी। और इनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है वो घोटाले बता रहे हैं, पिछले 2 साल के 1.5 साल के जब इनकी सरकार थी, इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो अच्छी बात है ना, ये तो जो अच्छी पहल मान रहे हैं। और अभी अभी इन्हीं के नेता जो विधायक थे
खटक साहब, उन्होंने दिनेश खटक ने इल्जाम लगाया था कि लोगों के तबादलों में बहुत घोटाला हो रहा है, बहुत पैसे खा जा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई वहां पे, सीबीआई कार्रवाई हुई कुछ जी? तो भारतीय जनता पार्टी के जो न्याय प्रणाली है वो उसके लिए, अपने लिए कुछ नहीं है, वो दूसरों के लिए। अच्छा। वो न्याय का, सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, तोड़ने अच्छा। के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ताकि भारत में विपक्ष खत्म हो जाए और बीजेपी विपक्ष विहीन रहे और हमेशा जीतती रहे, हमेशा सरकार दबी रहे। ठीक है, ठीक है, संदीप भाई, 50 साल सत्ता में रहेंगे, 40 साल सत्ता में रहेंगे, कोई भी न्याय संगत व्यक्ति ये नहीं कह सकता हम 40 साल सत्ता में रहेंगे, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। सत्ता अगर आप सत्ता में है तो आप 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, सत्ता बदलेगी, फिर विपक्ष के लोग आएंगे, तो आप ये क्यों कहते हैं कि हमेशा सत्ता में हम ही रहेंगे? पर आप ये नहीं मानते हैं कि हेट स्पीच जो स्थिति है तकी भाई, ये खत्म होनी चाहिए भाई। प्रक्रिया हो अथवा ना हो, सजा हो अथवा ना हो, आईपीसी की धाराएं हो अथवा ना हो, और जेल जाना पड़े अथवा ना जाना पड़े, और सियासी के लिए आपको याद होगा जब कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे भड़काए थे जी, आपको प्रकरण याद होगा जी, तो दिल्ली में जज ने उसके ऊपर मामला खोला था, कहा था इसको कानून के कानूनी कार्रवाई की जाए, रातों रात जज का ट्रांसफर हो गया और कहा कि भाई रोस्टर पोस्टिंग थी, रोस्टर पोस्टिंग से उसका ट्रांसफर होगा जी। तो ये चरित्र है भाजपा का। ठीक है, जवाब ले लेता, जवाब तो भाजपा कभी भी न्याय संगत हो ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संतोष भाई, संतोष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सर संतोष जी की आवाज नहीं आ रही। तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही, आ रही। तारिक भाई, तकी भाई कहना है कि न्याय संगत नहीं है, और निश्चित रूप से आपका कहना भी यहाँ पर है कि निराशा नहीं होगी, लोकतंत्र की निराशा है। फाइनली क्या कहेंगे समाजवादी? देखिए समाजवादी आप आजम खान साहब हैं, तो ये तो भाई दिख रहा है कि आपने कुछ लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जी, है? ठीक है। आप अपने ही अभी आपने कहा कि हम अपने मंत्रियों और विधायकों के मुकदमे वापस लेंगे, एडीआर की रिपोर्ट है जी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जी, ठीक, 90 MLA 255 में से दागी हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं भाजपा के जी। अब ये कहीं जेल ना चले जाएं, इनकी सदस्यता ना रद्द हो जाए जी, है ना जी, तो इसलिए उन मुकदमों को खत्म कर दिया जाए। तो भाई कहीं भी कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि समाजवादियों के साथ? ये तो आपके सरकार में भी होता था भाई, एक बात बताइए मुझको, एक बात बताइए गौरव भाई, अगर मेरी तो ये भी करेंगे क्या जी? तो आप इनको वैलिडेट कर रहे हैं क्या इनका? ये वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, आपने नहीं तो गौरव भाई, ये सरकार में होते गौरव भाई जी, मेरा कहना है सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब तक कोर्ट के अवमानना का मामला नहीं होता योगी सरकार एक्शन नहीं लेती, कि बीजेपी जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकारती नहीं योगी सरकार कहां नहीं करती। मेरा कहना केवल इतना है कि क्या ये आपके सरकार में नहीं होता था? संगीत सोम ने 2017-13 से जब से अखिलेश यादव साहब की सरकार बनी है कितने मुकदमे इनके ऊपर हुए और इन्होंने क्या क्या बातें कही आपको बताने की जरूरत है? जानकारी है, जानकारी है आपको, जगह जगह कहे, मैं तो भूल गया, लिख के रखा था मैंने तमाम तरह के बयान मुझे पता है। कब हमने बदले की भावना से जो न्याय संगत इनके ऊपर मामले बन रहे थे जी, वही कार्रवाई हुई, कहाँ किया जी, कहाँ किया? मेरे हिसाब से इनको तो 2017 के बाद भी जेल में होना चाहिए, विधानसभा चुनाव भी हार गए है ना, मगर फिर भी अभी अभी उन्होंने, मैं यही कह रहा हूँ गौरव भाई, कि अपने तरफ के लोगों को भड़काऊ भाषण दिलवाकर आप वोटों को पोलराइज कराते हैं जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों को बंद कराकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जानना, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को ही टारगेट करना, इसका मतलब ये है कि न्याय प्रक्रिया जो है या जो न्याय करने की एक प्रोसेस है जी। आप समझिए बात, न्याय पे सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण पे बड़ा अच्छी बात कही जी, बिल्कुल, लेकिन जो न्याय का प्रोसेस है उस प्रोसेस में तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट है गौरव भाई, है या नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, उस प्रोसेस को आप अगर बाधित करेंगे तो इससे क्या होगा? आप कह रहे हैं ये समाजवादी को झटका है, नहीं, समाजवादी को कोई झटका नहीं है, ओवरऑल डेमोक्रेसी। एक बड़ा अजीब उदाहरण गौरव भाई आया साथ में आप, और इन्होंने क्या कहा, संगीत सोम का एक बयान और सुन लीजिए, कहे बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर और मेरा डंडा जी, आपको डंडा देने का अधिकार किसने दिया जी? अभी ये गौरव भाई ये वाला स्टेटमेंट इनका तकरीबन 6 महीना पहले का है जी, ठीक है,
बाबा के बुलडोजर से बचे रहना और मेरे डंडे से बचे रहना। आपको डंडा, आपके आपको डंडे का अधिकार है? जी बिल्कुल नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं गौरव भाई, मगर इसकी बात ही नहीं होती। और बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता है वो चले गए, उनको इसमें जवाब देना चाहिए कि इसमें वो क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे जी, कारण बताओ, नोटिस दिया उनको कुछ भी नहीं, जीरो जीरो। ठीक है तारिक भाई, तो यहाँ पर हमने देखा कि जिससे चर्चा हुई, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पर ये जाना कि हेट स्पीच मामले सजा हुई। सपा प्रवक्ता का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेट स्पीच होती क्यों है। भाई अगर हम समाज के प्रतिनिधि हैं तो समाज को उद्दीर्ण करने के लिए हमको कोई भी भाषण या स्पीच नहीं देनी चाहिए, हमारी मर्यादा होनी चाहिए। और मेरा मानना तो ये है, हर पार्टी में एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, एक व्हिप जारी होनी चाहिए, एक वहाँ पर क्राइटेरिया जारी होना चाहिए कि किसी भी नेता को किसी भी धर्म को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, या किसी भी राजनेता को लेकर, या किसी अधिकारी को लेकर कोई भड़काऊ बयान नहीं देना है। ये गाइडलाइंस जारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हेट स्पीच मामले में अगर सजा होती है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार भी हेट स्पीच है। तो ना हमको कोई पक्ष रखना है, ना विपक्ष रखना है, ना स्पीच दीजिए और ना नफरत की राजनीति करिए। ये गाइडलाइंस, इस क्राइटेरिया और कुछ नियमों की यहाँ ज़रूरत है, देश में भी और पार्टी की जो व्यवस्था है उसमें भी। जब पार्टी गाइडलाइन जारी करेगी तो निश्चित रूप से हेट स्पीच के जो मामले हैं ये स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। हमारा लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र सबसे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि हमारी राजनीति, और हमारी राजनीति अगर स्वच्छ है, सुंदर है, तो यहाँ पर भाषा भी मर्यादित होनी चाहिए, तभी हम बेहतर लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं और बेहतर विकास की कल्पना कर सकते हैं। राजनीति करिए पर नफरत की नहीं, हेट की नहीं, स्पीच दीजिए बेहतरी के लिए, विकास के लिए और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जन्मति नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।